नमस्कार, विंग कमांडर संतोष शर्मा व्हाइट वाटर स्पेस जनरल चैनल में आप सभी का स्वागत है। सत्रहवें उद्रास के बारे में चर्चा करने के लिए मैंने वादा किया था आपसे। विगत वीडियो में चर्चा हमने किया था सोलहवें उद्रास के बारे में, और सोलहवें उद्रास के वीडियो में हमने एक मुखी से लेके पंद्रह मुखी तक भी एक रिविजन किया था। सत्रहवें उद्रास इस्तेमाल होता है शनि के लिए, सैटर्न। मैंने बताया था आपको कि शनि जो है, जो शनि का स्थान है ये है यहां। तो जिंदगी में कोई अच्छा नहीं हुआ होता है, परेशानी होती रहती है, तो हम क्या कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत ही फूटी है। हम फूटने की बात जो कहते हैं, टूटने की बात जो कहते हैं, हम किसको कहते हैं, उसकी आंख फूटी हुई है। देखिए, आंख फूटना, तो फूटना जो शब्द है इसका इस्तेमाल होता है आंख से। तो यहां क्या आंख है, तीसरी आंख की बात कर रहे हैं, थर्ड आई। जब तीसरी आंख फूटी हो मतलब उसमें कोई दोष हो, तो आप जो निर्णय लेते हैं भविष्य के बारे में वो दोषपूर्ण हो जाता है। आप ऐसे प्लानिंग कर बैठते हैं जिससे आपको नुकसान हो जाता है, भविष्य की प्लानिंग कर नहीं पाते हैं, अंधेरा होता है, दिखाई पड़ता है। यदि आपके चार्ट में शनि अच्छा नहीं हो तो ऐसा होता है। तो शनि का स्थान यहां है। शनि का स्थान यहां इसलिए भी होता है क्योंकि जो शनि का रंग है वो है नीला रंग, नीला अंजन समाभाषण, नील अंजन, नील होता नीला और अंजन होता काला, ये दोनों का मिश्रण से होता है इंडिगो कलर। आप जानते हैं विवियो वायलेट इंडिगो, ये ब्लू, छाती के ऊपर ग्रीन, नाभि के ऊपर में येलो, नाभि के नीचे ऑरेंज और मेरुदंड के नीचे रेड कलर। तो ये है आज्ञा चक्र। तो शनि का स्थान यहां है। आज्ञा चक्र का मतलब यह हुआ कि कमांड सेंटर, कमांड कंट्रोल सेंटर, मतलब जो कुछ आप प्लानिंग करेंगे जिंदगी में, भविष्य के बारे में जो सोचेंगे, पहले तो सोच सही होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि सोच ही नहीं पाते भविष्य के बारे में, किस प्रकार से जिंदगी में उन्नति करनी चाहिए, क्या चीजें किस प्रकार से प्लान किया जाना चाहिए। बड़ी सोच, एम्बिशन की बात में कर रहा हूं। कुछ भी जिंदगी में करना चाहते हैं तो चाह होनी चाहिए। ये तो चाह ही पैदा नहीं होती, और चाह भी है तो किस प्रकार से उसको कल्पना करें, वो कल्पना ही नहीं आती है। तो ये जो कल्पना, परिकल्पना, प्लान, एम्बिशन, जो ड्रीम की बातें करते हैं हम, जब सपने नहीं हो तो साकार कैसे होंगे। तो सपना देखना भी तो आना चाहिए, सपने देखने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। तो सपने देखने की क्षमता जो होती है ये आती है आपके थर्ड आई से, जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन और पिनियल ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को जोड़ता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में दृश्य, जैसे मैं आपसे अभी कहूं कि अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए अपने अतीत के बारे में, स्कूल डेज के बारे में, जो आपके क्लास टीचर थे वो किस प्रकार से बोलते थे, कैसे दिखते थे, कल्पना कीजिए, याद कीजिए, तुरंत आपको उनका दृश्य कैसे दिखते थे वो भी याद आ जाएगा, और किस प्रकार की उनका जो वॉइस क्वालिटी थी, वॉइस किस प्रकार से बोलते थे वो भी आपको याद हो जाएगा। मतलब ऑडियो विजुअल ये दोनों, ये मेमोरी जो होती है ये आपके पिनियल ग्लैंड में होता है, मिड ब्रेन में होता है। तो यदि ये माइनस वाई एक्सिस में आप जा सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं, तो लॉजिकल स्पीकिंग आप प्लस में जा सकते हैं, पॉजिटिव प्लस वाई मतलब फ्यूचर, भविष्य। तो मनुष्य मन की एक क्षमता है, अगर अतीत में जा सकता है तो भविष्य में भी जा सकता है, लॉजिकली स्पीकिंग। लेकिन क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं चीजों को, हम चीज को मानते नहीं है, हमको लगता है कि भविष्य के बारे में सोच नहीं सकते हैं, तो जैसे जैसे हम सोच लेते हैं तो फिर भविष्य के बारे में सोचना हमारी क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन भविष्य के बारे में सोचने के लिए चाहते हुए भी बहुत लोग सोच नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि उनका जो शनि क्षण हो, शनि उनका डेबिलिटेशन में हो, शक्ति शनि उनका रिट्रोग्रेड में हो, शनि उनके अगेंस्ट में हो, तो फिर ये भविष्य के बारे में कल्पना करना, ड्रीम या एम्बिशन के बारे में सोचना हो नहीं पाता है, शनि वायलेंट बन जाता है, तो आदमी जिंदगी में अग्रसर हो नहीं पाता है। तो सत्रहवें उद्रास जो होता है ये शनि के लिए काम करता है। सत्रहवें उद्रास यदि पहनेंगे तो आपके शनि के एनर्जी जो है बैलेंस हो जाएगा। यदि आपके चार्ट में शनि खराब है तो सत्रहवें मुखी पहनने के साथ फायदा होगा,
यदि शरीर खराब है और आप नीलम पहन लेते हैं, ब्लू सफर पहन लेते हैं, तो आपको नुकसान करेगा क्योंकि शरीर ऑलरेडी खराब है। तो जेमस्टोन पहनेंगे तो बूस्ट होगा नेगेटिविटी को, तो आपको और हानि पहुंचाएगा। रुद्राक्ष से कन्वर्जन होती है एनर्जी की, रुद्राक्ष बैलेंस करता है एनर्जी को, शक्तियों को, एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी कन्वर्टेबल। तो जो नेगेटिव एनर्जी जो शनि की है उसको कन्वर्ट करने की शक्ति सप्तमुखी रुद्राक्ष को होती है। कुछ लोग कहते हैं कि सात मुखी रुद्राक्ष भी शनि के लिए काम करता है, मैं ऐसा नहीं मानता। सात मुखी रुद्राक्ष के बारे में जब हमने वीडियो बनाया था उस समय हमने बताया था आपको कि सात मुखी को शनि के साथ लोग क्यों जोड़ते हैं। जिन लोगों को सत्रह मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी नहीं है, सात मुखी क्योंकि शुक्र के लिए होता है और शुक्र और शनि मित्र होते हैं, तो कुछ लोग सात मुखी को भी शनि के लिए जोड़ लेते हैं, बताते हैं। सत्रह मुखी रुद्राक्ष मिलने होते हैं, महंगे आते हैं, इंडोनेशिया के या नेपाल के आते हैं, नेपाल के तो लाखों में आते हैं, इंडोनेशिया कोई हजार में आ सकते हैं, 8,000, 10,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 इस प्रकार के मूल्य में बिकते हैं इंटरनेशनल रुद्राक्ष, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड क्वालिटी। नेपाल के जो है 1,00,000, 1.5 लाख, 5 लाख तक बिकते हैं, एक ही रुद्राक्ष काफी है। तो सत्रह मुखी रुद्राक्ष आप पहनते हैं तो ध्यान रखें कि इसको आप गले के पास जितना हो सके कंठ के पास पहनने की कोशिश करें। यदि दिक्कत है, परेशानी है, थोड़ा नीचे ही पहन सकते हैं। यदि आपको दिखाई पड़ रहा हो या टाई पहनने में दिक्कतें हो रही हो, थोड़ा नीचे ही पहन सकते हैं, कोशिश कीजिए ऊंचा पहनने के लिए। सत्रह मुखी रुद्राक्ष की आप पहचानेंगे कैसे सत्रह मुखी रुद्राक्ष है, क्योंकि बाजार में जो रुद्राक्ष मिल रहे हैं 16 को भी 17 बता देंगे, 15, 14 को भी 17 बता के बेच देते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया के रुद्राक्ष आते हैं ये बहुत छोटे साइज के आते हैं। तो उसको देख के उसको लाइन को काउंट करना, मुखी से बेहतर लाइन काउंट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको मैग्नीफाइंग ग्लास 25x मैग्नीफाइंग ग्लास में जो लेबोरेटरी है जो जो इसको देखने की जिनके पास क्षमता है, मतलब बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस दे कैन वैलिडेट कि ये सत्रह मुखी रुद्राक्ष। यूरिन टेस्ट होता है, एक्सरे टेस्ट होता है, उसको देखा जाता है कि 17 सिंबल अंदर है कि नहीं है, 17 सील्स अंदर है कि नहीं है। कई बार तो सीट को देखना मुश्किल होता है एक्सरे के द्वारा भी, तो कम से कम चैम्बर देखी जाती है इतने चैम्बर से है कि नहीं है। इसी प्रकार से आप लेबोरेटरी टेस्ट किए हुए रुद्राक्ष खरीदेंगे तभी आप फायदे में रहेंगे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कई बार लोग रुद्राक्ष को जोड़ के बना लेते हैं, जैसे 14 मुखी में 3 मुखी को जोड़ देंगे, ग्लू से जोड़ देते हैं, फेविकोल का जोड़ कहते हैं ना कि कूदता नहीं, उस प्रकार से जोड़ते हैं उसको, गर्म उबलते पानी में रुद्राक्ष को डालेंगे तो अलग हो जाए। कई बार तो ये नकली रुद्राक्ष को पहचानना मुश्किल होता है और धोखे में पड़ जाते हैं और आपके पैसे की हानि होती है और आप विश्वास उठ जाता है रुद्राक्ष के ऊपर से, उसे रुद्राक्ष से गलती नहीं। ये तो मार्केट में जो धोखाधड़ी हो रहा है उसकी दुष्परिणाम है। तो बच के समझ के रुद्राक्ष खरीदना चाहिए और पहनना चाहिए। कितना रुद्राक्ष पहने, एक ही रुद्राक्ष काफी है, रुद्राक्ष को माला पहनने की जरूरत नहीं है, एक ही रुद्राक्ष पहने काफी होगा। यदि आपके चार्ट में आप देखेंगे कि शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर है या सूर्य और शनि साथ में बैठे हुए, तो क्या होगा, आप किसी भी ऑथोरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे आप पत्नी हैं, पति यदि आपके ऊपर हावी होना चाहते हैं या डोमिनेटिंग है तो द्वंद हो जाएगा, ऑफिस में बॉस के साथ में द्वंद हो जाएगा, घर में माता पिता है जो भी घर में माता पिता में से जो भी डोमिनेटिंग है उससे द्वंद हो जाएगा। तो शनि और सूर्य की जो युति बनती है उससे ऑथोरिटी से द्वंद पैदा हो जाता है। तो सूर्य को ठीक करने के साथ साथ में आप शनि को भी ठीक करें, शनि को ठीक करना इसमें बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करेंगे कि शनि और सूर्य कैसी स्थिति में या तो नीलम पहना देंगे या रूबी मन के पहना देंगे, तो झगड़े बढ़ जाते हैं। केवल यदि आप 12 मुखी या 3 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे सूर्य के लिए तो भी फायदा नहीं होगा, शनि के लिए 17 मुखी तो पहनना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मैं बताता हूं कि 17 मुखी के साथ में 12 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। यदि शनि और चंद्रमा की युति बन रही है, शनि का प्रभाव चंद्रमा ऊपर पड़ रहा है, तो मन में उदासी रहेगा, अकेलापन रहेगा, तो चंद्रमा को तो ठीक करने के लिए 2 मुखी पहनेंगे, लेकिन 17 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। शनि बुध क्रियाधि बन रही है तो मन में दुख रहेगा, अकेलापन रहेगा, मलंग बुद्ध रहेगी,
तो 15 मुखी और 17 मुखी का मेंटर बनना पड़ेगा। 17 मुखी तो है ही है, शनि को जहां भी आपको लगता है कि गड़बड़ है या किसके साथ में बैठ के हानि पहुंचा रहा है तो 17 मुखी तो पहनना ही पड़ेगा। साथ साथ में जिस ग्रह को ये क्षति पहुंचा रहा है उस ग्रह का भी ध्वजराज पहनेंगे तो जल्दी ज्यादा फल जल्दी फल मिलेगा। तो शनि लग्न में बैठा हो अवश्य साधु ग्रह को देखेगा, मन में दुख पैदा करेगा, संबंधों में तिक्तता लाएगा, इन द सेंस संबंध में उदासीपन लाएगा, तो 17 मुखी उदास पहनेगा तो फायदा होगा। यदि आपके फिफ्थ हाउस में शनि बैठा हुआ है तो साधु ग्रह को देखेगा कि अपने घर से तीसरे घर सातवें घर दसवें घर को देखता है तो तीसरे घर को देखेगा तो मन में उदासी पैदा करेगा। तो इस प्रकार से शनि का स्थान को देखना पड़ेगा, शनि कहाँ बैठा हुआ है, शनि के साथ कौन दूसरा ग्रह बैठा हुआ है, शनि किस ग्रह को देख रहा है, तो ये सब विवेचन करना पड़ता है तभी आपको रुद्राक्ष जेमस्टोन पहनना चाहिए। जहां आपको थोड़ा सा डाउट है शनि के बारे में कि शनि शायद आपको क्षति पहुंचा रहा है, तो यदि आप नीलम पहने हुए हैं, यदि किसी के परामर्श के साथ आप नीलम पहने हुए हैं फिर भी आपको डाउट होता है तो 17 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। तो यदि नीलम के कुछ खराब प्रभाव भी आपके ऊपर आ रहा है पहने हुए तो फिर आप 17 मुखी पहनेंगे तो उसको बैलेंस कर लेगा। यदि आपकी साढ़े साथ चल रही है, कटक शनि चल रहा है, शनि की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, शनि आपके लिए कुछ खराब प्रभाव लेकर आ रहे हैं तो आप निर्भीक होकर 17 मुखी पहन लीजिए। जहां भी डाउट उदय होता है आपको तो नीलम बिना ज्योतिष परामर्श के ना पहने, और पहने हुए भी है अच्छा फल भी आपको दे रहा है लेकिन मन में शंका हो तो 17 मुखी पहन लीजिए। 17 मुखी वर्क एज ए टोटल स्टेबिलाईजर, ओवरऑल कंट्रोल रखेगा शनि के प्रभाव के ऊपर। 17 मुखी रुद्राक्ष पहनने के साथ साथ यदि आप काली जी की पूजा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। काली की कोई फोटो लीजिए और घर की जो दक्षिण वार होता है वहां लगाइए, क्योंकि काली रूल करती है शनि के ऊपर। 17 मुखी रुद्राक्ष पहनकर यदि आप काली की आराधना करेंगे पूजा करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि शनि जो आती है कंट्रोल में ये आती है काली की। आपने देखा है काली का जो रंग होता है शनि का जो रंग होता है वो नीलम स्टोन जो होता है ये एक ही रंग के होते हैं, नीले रंग के होते हैं। तो 17 मुखी रुद्राक्ष यदि आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। यदि आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो 9845124158 पे व्हाट्सएप मैसेज करें और एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए हमसे परामर्श करने के लिए। यदि तो कंसल्ट करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे ही आप पहले मैसेज करें, हम आपको विधि बताएंगे किस प्रकार से आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ पेस्ट टाइम चाहिए होगा, कोई फीस वगैरह है उसके बारे में हम आपको व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आपको मैसेज कर देंगे। यदि व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो भी आप पहले से अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। 17 मुखी रुद्राक्ष लैब टेस्टेड सर्टिफाइड हमारे पास स्टॉक पर रहते हैं, आप हमसे लेना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। यदि शनि के संबंधित और कोई जानकारी चाहते हैं या आपको ब्लू सफा स्टोन चाहिए मतलब नीलम चाहिए तो भी हम आपको देते हैं। नीलम स्टोन में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि नीलम स्टोन जो है अनहीटेड अनहीटेड होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसमें थोड़ी सी भी हीट अप्लाई किया जाता है तो उसमें सूर्य की जो तासीर है क्वालिटीज है वो आ जाती है और शनि और सूर्य जो है ये कॉन्ट्रा फोर्स है, तो ऐसे स्टोन आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो कोई भी ट्रीटेड या हीटेड स्टोन नीलम का कभी ना पहने, यदि पहने हुए हैं तो उतार दें या कम से कम उसको बैलेंस करने के लिए 17 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक मुखी से लेके 17 मुखी तक रुद्राक्ष के बारे में बात कर ली। यदि आपके चार्ट में बहुत सारे ग्रह ठीक से नहीं है तो आपको एक नवग्रह माला पहनना चाहिए। नवग्रह माला किस प्रकार से बनती है, क्या कंबिनेशन से बनती है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे काल सर्प दोष के लिए किस प्रकार रुद्राक्ष के बारे में रुद्राक्ष पहनना चाहिए, किस प्रकार का कंबिनेशन होता है, कैसे काम करता है, ये सब बनाने के ये सब वीडियो बनाने के बाद में हम चर्चा करेंगे जो हमारे जो सात चक्र हैं
कि सात चक्र के ऊपर में किस प्रकार से अलग अलग ग्रहों का राज होता है, अलग अलग ग्रह किस प्रकार से हमारे विभिन्न चक्रों को प्रभावित करते हैं, इस संबंध में हम वीडियो बनाएंगे। जैसे मूलाधार चक्र, रूप चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और आपका सहस्रार चक्र, इस चक्र के बारे में हम विस्तार से बातें करेंगे और आगे बारे में बातें करेंगे, और किस प्रकार से ग्रह इसको प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से अलग अलग रुद्राक्ष धारण करके ये सभी चक्रों को बैलेंस किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रुद्राक्ष किस प्रकार से हमारे चक्रों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। मेरे अपने जो चक्रास हैं ये रुद्राक्ष पहनने से पहले कैसे थे और बाद में कैसे हैं, इसके बारे में जो फोटोग्राफ वगैरह है, डिटेल साइंटिफिक प्रूफ जो है मेरे वेबसाइट में है, आप देखें www.astrologyrecommendation.com, उसको रुद्राक्ष पर जाइए, इसका विवरण आपको मिलेगा। हमारी वेबसाइट जो है www.santoshsharma.com, इसमें वीडियोज वगैरह है, यूट्यूब वीडियोज 360 से ज्यादा वीडियोज है, आप इनको देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, आपसे जुड़ा रहे। अगले वीडियो का इंतजार करें जो हम बनाएंगे नवग्रह मालक, रुद्राक्ष के अलग अलग ग्रह के बारे में भी आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे। जल सुख के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी बनाएंगे। ज्योतिष के बारे में अलग अलग ग्रहों के बारे में हम वीडियो और बनाने वाले हैं, जो कि साइंस बेस्ड होंगे, साइंटिफिक होंगे, लॉजिकल होंगे, प्रैग्मेटिक होंगे, अंधविश्वास से दूर रहें, ज्ञान से अपने आप को भरे, समझें और इस विद्या का लाभ उठाएं। अभी विदा लेता हूं आप सब, विंग कमांडर संतोष शर्मा बैंगलोर से, नमस्कार।